नमस्कार, मैं आपके साथ हेमंत केवलिया। दोस्तों, जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से क्या हालात 1990 वाले लौट रहे हैं? क्या फिर से कश्मीरी पंडितों पर कत्लेआम होना शुरू हो चुका है? अब तक आधा दर्जन हिंदुओं की हत्या के आखिर क्या मायने हैं? क्या 370 हटने के बाद मोदी सरकार को चुनौती देने की बार बार कोशिश कर रहे अलगाववादी नेता है? नए साल के पहले हफ्ते में 5 घटनाओं के मायने क्या है? हर किसी के जहन में बार बार ये सवाल आ रहा है। जाहिर सी बात है, एक बार फिर से हिंदू परिवार के घर पर हमला हुआ। दरअसल खबर सामने आई कि पुंछ जिले में रविवार देर रात कुछ घरों में पत्थर फेंके गए। हालांकि अभी इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है कि पत्थर किसने फेंके। पुलिस मौके पर पहुंची, पुंछ के लोग दहशत में हैं, पुलिस से अपनी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। लोगों को डर है राजौरी जैसी घटना ना दोहरा दी जाए। हालांकि राजौरी में फिर हुई घटना से परिवार सहमा है। अभी आज आप देख रहे हो, इस समय हम बैंच गांव में हैं। आप देख रहे हो इस बैंच गांव में जो रात का यहाँ पे ये एक कार्रवाई हुई है। यहाँ पे लोगों के मनाटी के घरों में यहाँ पत्थरबाजी हुई है, जिसको देखते हुए रात को यहाँ पे पुलिस प्रशासन पूरी तरह से आया हुआ था। और इस समय हम सुबह यहाँ पे आए हुए हैं और इस समय SSP साहब के दिशा निर्देश हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ ये जो पथराव हुआ है, जहाँ पे इनके दरवाजे को नॉक किया गया है मनाटी के घरों को, हम प्रशासन से अपील करते हैं कृपा करके यहाँ पे जो CRP की जो बटालियन हैं वो यहाँ पे डिप्यूट की जाएं, ताकि यहाँ के जो मनाटी के लोग हैं इनके अंदर जो हौसला है वो आए और ये जो तहकीकात पूरी तरह से हो कि ये जो रात को जो इनके दरवाज़ों को नॉक किया गया है, ये कहीं आने वाले दिनों की प्रैक्टिकल तो नहीं कर रहे हैं कि यहाँ कोई आने वाले दिनों में कोई कांड तो नहीं करने वाले। हम प्रशासन से जाएंगे, जहाँ जहाँ मनाटी के गाँव हैं, जहाँ जहाँ मराठी हिंदुओं के घर हैं, वहाँ पे फुली तौर पे उनको प्रोटेक्शन दी जाए, ताकि ये कोई हादसा ना हो जैसे कि आप देख रहे हो रजौरी में हुआ है, ऐसा हादसा कोई पूंछ के लिए ना हो। आपको बता दें कि घाटी में पिछले 9 दिनों में ये चौथा हमला हो गया और इससे पहले 1 जनवरी की शाम को राजौरी के डोंगरी इलाके में फायरिंग की गई, 5 हिंदुओं की जान चली गई। इसकी अगली सुबह उसी जगह IED ब्लास्ट हुआ, 2 बच्चियों की मौत हो गई। उसके बाद प्रदर्शन के दौरान हमला किया गया, कई लोग जख्मी हो गए। आपको यह भी बता दें, कश्मीर हो रही वारदातों को लेकर सरकार सख्त है। लगभग 2000 जवानों को लेकर कुछ दिन पहले बड़ा ऐलान गृह मंत्रालय की ओर से किया गया, लेकिन आपको यह भी जरूर जानना चाहिए कि कितनी ज्यादा घाटी रह ली है। दरअसल आतंकवादियों के साथ साल 2022 में सुरक्षा बलों की 93 मुठभेड़ हुई, 172 आतंकी इसमें मरे, 42 विदेशी थे। इन आतंकवादियों ने इस साल 29 नागरिकों को टारगेट पर लिया, उनकी हत्या कर दी। 3 कश्मीरी पंडित सहित 6 हिंदू मारे गए। आतंकवादियों में सबसे ज्यादा 108 आतंकी लश्कर ए तैयबा के बताए गए। बहरहाल सेना की ओर से लगातार ऑपरेशन क्लीन जारी है, लेकिन आतंकवादियों की हिमाकत कम होने का नाम नहीं ले रही। लोगों में दहशत है, लोग पलायन करने को मजबूर हैं। यानी एक बार फिर से क्या हालात 1990 जैसे बन रहे हैं? आपकी जम्मू कश्मीर के मौजूदा स्थिति को लेकर जो भी राय है, जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। नमस्कार।